ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। तेरापन समाज के आचार्य महाश्रमण का इस साल का मुंबई में चातुर्मास महानगर के लिए ऐतिहासिक आयोजन है। मीरा भाईंदर के घोड़बंदर स्थित नंदन वन में चल रहे इस आध्यात्मिक कार्यक्रम को लेकर लोगों में खासी उत्साह है। मुंबई के साथ ही देश भर के गुरु भक्तों का यहां तांता लगा हुआ है। आचार्य महाश्रमण प्रवास व्यवस्था समिति के दिशा निर्देशन में मुंबई तेरापन समाज के कार्यकर्ता जिम्मेदारी से जुटे हैं। प्रातःकाल लाइव इस वर्ष वास को करीब से कवर कर रहा है। इसी सिलसिले में हमारे कैमरे ने नंदनवन की भोजनशाला का जायजा लिया, जहाँ पुरुषों के साथ ही महिलाएं भी सेवा दे रही थी। हर जगह कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ तैनात है। भारी भीड़ के बावजूद विशाल भोजनशाला में श्रावकों को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही है। व्यवस्था देख रहे कुछ कार्यकर्ताओं से हमारे संवाददाता मनीष पालीवाल ने बात की। आइए मिलते हैं यहाँ के कुछ जिम्मेदार लोगों से और जानते हैं भोजनशाला का सिस्टम। जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके पीछे अन्न के महत्व को दर्शाता हुआ बोर्ड हमें बहुत कुछ कहता है। इस वक्त हम है भोजनशाला में, नंदनवन की ये विशाल भोजनशाला जिसमें एक बार में तकरीबन 7,000 लोग एक साथ भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन अलग अलग मेन्यू के साथ भोजन बनाए जा रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था तकरीबन 400 कार्यकर्ताओं ने संभाल रखी है। हमारे ठीक पीछे प्रवचन हॉल है, उसके ठीक सामने ये भोजनशाला। इस भोजनशाला में किस प्रकार की व्यवस्थाएँ हैं, आइए जानते हैं यहाँ की प्रबंधन समिति से। जय जिनेन्द्र, महेंद्र कुमार तातेड़। हमने यहाँ नंदनवन में आने वाले सभी आगंतुकों के लिए भोजन की सुंदर व्यवस्था की है। हमारी भोजनशाला लगभग 70,000 फुट में फैली हुई है और हम लगभग 16 काउंटर लगा सकते हैं। तो जिससे जैसे जिस दिन जितने यात्री आते हैं उसके हिसाब से हम काउंटर बढ़ा देते हैं। यहाँ काम करने वाले 100 आदमी तो कैटरिंग वाले हैं। इसके सिवाय हमारे समाज के 200-250 कार्यकर्ता एनी टाइम तैयार रहते हैं। मैं इस भोजनशाला में विनोद बोरा प्रातःकाल लाइव का इस नंदनवन की भोजनशाला में स्वागत करता हूँ। भारत भर से जितने भी हमारे अतिथि आ रहे हैं उनको हम ब्रेकफास्ट मॉर्निंग 7 से 9:30 बजे तक और उसके बाद 11 से 1:30 बजे तक हम लंच की व्यवस्था की है और डिनर की हम रात को 5 बजे से सूर्यास्त तक की व्यवस्था दी है। और पहले दिन हमारा गुरुदेव का प्रवेश हुआ, कम से कम 10 से 12-13 हज़ार लोगों ने इस भोजनशाला में आतिथ्य का लाभ लिया और सुव्यवस्थित ढंग से हमारी ये भोजनशाला चल रही है। और सीताराम जी जो कैटरिंग वाले हैं ब्यावर से अच्छे स्वादिष्ट भोजन यहाँ बना रहे हैं और इस भोजनशाला को एक वातानुकूलित ऐसी भोजनशाला हमें चंद दिनों में चालू करने जा रहे हैं। पूरा हमें हमारे साथ कार्यकर्ता और पूरा प्रवास व्यवस्था समिति का पूरा सहयोग मिल रहा है। सादर जय जिनेन्द्र, बाबूलाल समदरिया। नंदनवन की भोजनशाला में हम 7,000 व्यक्ति को एक साथ भोजन करा सकते हैं और अति शीघ्र एसी की व्यवस्था चालू हो जाएगी और हमारे यात्रियों को यहाँ पर जो स्वादिष्ट भोजन हम करा रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया जो मिल रही है, जो फीडबैक ले रहे हैं, वो शायद पहली बार उनको समाज में ऐसा लगता है कि सामाजिक में ऐसा स्वाद का भोजन भी मिलता है। इस प्रकार की जो प्रतिक्रिया आ रही है ये हमारे लिए गौरव की बात है। आपको बता दें कि नंदनवन में प्रातःकाल लाइव टीम द्वारा प्रवचन पांडाल, किड्स जोन, बाजार और आवासीय परिसरों का जायजा लिया गया है, जिसे सिलसिलेवार आप तक पहुंचाया जाएगा। धर्म नगरी नंदनवन की इस रिपोर्ट के साथ ही आपसे एक निवेदन, वीडियो के लिंक्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि नंदनवन की ख्याति को जन जन तक पहुँचाया जा सके। ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।